दिस इज राहुल राजपूत और आज हम करने जा रहे हैं गढ़वाली गिटार लेसन। इसका नाम है, इस गाने का नाम तो आपको वैसे पता ही होगा, एजाई परमति पापू बचार। तो ये गाना करेंगे हम आज। इसमें सिर्फ दो कॉर्ड्स यूज हुई हैं, बहुत सिंपल कॉर्ड्स है, ओपन कॉर्ड्स हैं, ऊपर से बार की जरूरत नहीं है। अगर आप बार बजा सकते हैं तो आप बार भी बजा सकते हैं, वैसे ओपन कॉर्ड्स में बच जाएगा। तो इसमें दो कॉर्ड्स यूज हुई हैं, वो हैं जी जी और दूसरी है सी। तो इस दो कॉर्ड में पूरा गाना आराम से प्ले हो जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है जी कॉर्ड क्या है तो उनको मैं बताना चाहूँगा। जी कॉर्ड में क्या करना है, आपने ये जो ई स्ट्रिंग है, हाई स्ट्रिंग, इसमें मिडल फिंगर रखनी, और ए स्ट्रिंग है इसमें सेकंड फ्रेट में इंडेक्स फिंगर, ठीक है, ये दो ऐसे। और ये जो हाई स्ट्रिंग है लास्ट वाली, इसमें आप चाहे अपने रिंग फिंगर रख सकते हैं या पिंकी फिंगर, जैसा आपको सूट करे। मैं पिंकी रखता हूँ, ये जी हो गई। और दूसरी कॉर्ड है सी। सी में क्या करना है आपने, बी स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट विद इंडेक्स फिंगर, एंड डी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट विद मिडल फिंगर, एंड ए स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट विद रिंग फिंगर। तो ये हो गई आपकी सी कॉर्ड। तो पहले मैं इसका आपको इंट्रो प्ले करके दिखाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आगे करिएगा। इंट्रो एंड लीड सेक्शन, तो हम इसमें नज़र डालते हैं इंट्रो में क्या हो रहा है इसमें। तो फर्स्ट करना है बी स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट एंड फिफ्थ फ्रेट, फिर ई स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, फिर दोबारा बी का फिफ्थ। ये तीन बार रिपीट होगा हमारा। फिर दोबारा, अब जब हम यहाँ पे फिफ्थ में जा रहे थे, इस पर हमने फिफ्थ में जाना बट जी स्ट्रिंग के, ठीक है। दोबारा से प्ले करता हूँ, फिर दोबारा बी का थर्ड, ठीक है, फिर दोबारा जी के फिफ्थ से, वही चीज़ पैटर्न रिपीट होगा बट वो यहाँ की जगह इधर से जी से रिपीट होगा। फिर जी का फिफ्थ, फिर बी का थर्ड, फिर बी का फिफ्थ, फिर बी का थर्ड, देखो तीन बार रिपीट होगा। फिर जब ये फिफ्थ दोबारा नोट पे जाए, जी का फिफ्थ, देन इसका सेकंड फ्रेट जी का, फिर दोबारा फिफ्थ, यहाँ पे इसका इंट्रो खत्म हो गया। एंड जो इसकी लीड सेक्शन है यहाँ से होगा डी स्ट्रिंग से, आपका डी स्ट्रिंग में फिफ्थ फ्रेट, फिफ्थ सेवन्थ, फिर उसके बाद जी स्ट्रिंग का सेवन, ठीक, फिफ्थ सेवन्थ, फिर जी का सेवन, फिर इसका फिफ्थ, फिर स्लाइड यहाँ से फाइव से सेवन, नहीं सॉरी सेवन से, देखिए दोबारा, ये सिर्फ इन दो स्ट्रिंग्स के अलावा कहीं यूज नहीं हो रहा, जी एंड डी के अलावा कहीं और प्ले नहीं हो रहा। तो पहले जी में,
समझ के इसको याद रखना, मतलब मैं आपको एग्जैक्ट नोट्स नहीं बता सकता कितने क्लियर है क्योंकि हर बार थोड़ा अलग हो जाता है, तो अपने बीट माइंड में रखनी है। ठीक है, दो बार प्ले हो जाए उसके बाद नाइन्थ फ्रेट ऑफ डी स्ट्रिंग, सॉरी जी स्ट्रिंग, ये एक ही स्ट्रिंग में सर डी के और कहीं नहीं, सॉरी जी के, इसको आप चाहे दो बार प्ले कर सकते हैं, चार बार जैसे आपको जैसे करना चाहे, कोई बात नहीं, मैंने दो बार ही प्ले किया है, बस इसको चार बार भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वही सेम रिपीट जो हमने पहले किया था, तो यही है इसके लीड और इसके इंट्रो में। अब इसकी स्ट्रमिंग देखते हैं जो मैंने इसकी, ये इसकी स्ट्रमिंग है थोड़ी ऐसी, थोड़ा इधर करना पड़ा सकता, म्यूट नहीं करना, मतलब स्लैब है, स्लैब आप इस हिस्से की कीजिए, ठीक है, इससे नहीं। इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, अगर आप ये करेंगे, ये चीज़ यूज़ करेंगे तो हमने जो अपस्ट्रोक लेना है यहाँ पे तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमें इस चीज़ से करना पड़ेगा आपको। ओके, डाउन अप म्यूट, फिर ये अंगूठा आपका ऑटोमेटिकली नीचे चले गए, बस ये आपकी पिक सारी, ठीक है, हो जाएगी आराम से। ओके, पहले एक बार ये हो गए डाउन अप न्यू अप, सॉरी स्लैप अप, डाउन अप स्लैप, फिर स्लैप अप स्लैप, सिर्फ यही है, डाउन डाउन अप स्लैप अप स्लैप अप स्लैप अप, डाउन अप स्लैप अप स्लैप अप स्लैप अप, बस ये स्ट्रमिंग ऐसी। और जो इसमें, हाँ, जो इसका वर्स होता है, इसमें क्या होगा, जी सी चलता रहेगा पूरे गाने में, बट वहाँ पे जहाँ इसका शुरू होता है, बीड़ी का बंडल है मानो जो होता है, वहाँ पे आपका सी जी चलेगा, सी एंड जी चलेगा, वहाँ पे जी सी की जगह सी जी चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, उसको देख के आपको समझ आ जाएगा। यही था पूरे गाने के लिए, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।